वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है, तो पिछले महीने क्रूड ऑयल ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई और एक ऐसे लेवल पे क्रूड ऑयल आके खड़ा हो गया 2800 2900 के ऑल टाइम लो तोड़ने के करीब था। जब भी कोई कमोडिटी या स्क्रिप्ट स्टॉक मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो लो तोड़ेगा तो नया लो बनाएगा, या तो वो लो से ही पलट के ऊपर चला जाता है तो वो डबल बॉटम बना रहा है ट्रिपल बॉटम बना रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। पर अगर लो तोड़ दिया तो फिर नया लो बनाएगा। अब ऐसे मौके पे हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम बॉटम में खड़ा है, यहाँ पे खरीदें या बेचें। बेचने में डर लगता है कि हमारे सामने वो 3300 से 2800 आ गया है, तो 200-300 पॉइंट गिरने के बाद तो हमारी बेचने की हिम्मत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। 2800 पे आपको लगता है यहाँ बेचा और शॉर्ट कवरिंग आ गई तो सीधे 150-200 पॉइंट की आएगी तो फंस जाएंगे हम, तो इसके बजाय इसको थोड़ा ऊपर आने पे बेचेंगे। और अगर यहीं से उसने लो तोड़ दिया तो सीधा ही 2600-2500 की तरफ चला जाएगा, तो इसको खरीदें या बेचें मुश्किल हो जाती है ये बात तय करना। ऐसे में हम देखते हैं कि माइनस था कल तक, आज सुबह प्लस खुला और एक टाइट रेंज में घूम रहा है। टाइट रेंज कैसी थी, 2863 का लो बनाया हुआ था और 2878 का हाई बनाया हुआ था, 2870 पे चल रहा है। तो अब अगर इसकी बाइंग सेलिंग करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे बाय कर लिया, अगस्त को सितंबर को सेल कर दिया, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया जो हम डेली हेजिंग में करते हैं, तो वहाँ ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इस रेंज में कभी ऐसा हुआ कि नीचे जाके स्टॉप लॉस तोड़ा और फिर ये ऊपर गया और ऊपर जाके स्टॉप लॉस तोड़ दिया, तो भले ही हमारे जाएंगे 14 पॉइंट और वो भी अगर मिनी लॉट में है तो 140 रुपये की बात है, पर इमोशनली ये बहुत निराश करने वाली बात है। अगर आपने सुबह से ट्रेड किए ऐसे 2-3 और उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं तो शाम को जब सबसे अच्छा मौका आता है तब आप कहते हैं रहने दो यार, सुबह से कोशिश कर ली मतलब नहीं है, और वो शाम का जो सबसे बड़ा मौका सबसे बड़े मूवमेंट का था वो आप मिस कर जाएंगे। तो ऐसे में डेली हेजिंग के बजाय हम यहाँ पे आपको हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग कहते हैं। स्टॉप लॉस सेलिंग हमने लगाई 60 रुपये के नीचे, स्टॉप लॉस बाइंग लगाई हमने हाई के ऊपर 78 के ऊपर मतलब 2880 पे। अचानक 1:23 पे उसने लो बनाया 2861 का, मतलब 70 से वो 61 तक आया 1:23 पे, और 1:30 पे पूरा रिवर्सल आता है, वो अपना हाई तोड़ता है और 1:43 पे 1:43 PM पे उसने 2911 का हाई बना दिया। तो आप आराम से वहाँ पे 30 पॉइंट बुक कर पाते हैं, पूरे 30 पॉइंट बुक कर पाएंगे तो मुश्किल लगता है 25 पॉइंट कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, 22 पॉइंट कर लें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड में कोई 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो गया नहीं है। अगर 15 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो 15 पॉइंट आपको सीधा प्रॉफिट है पूरा पूरा। कैश टेक्निक में यही फ़ायदा है, डेली हेजिंग में ऐसा था कि एक तरफ 20 पॉइंट मिलते हैं दूसरी तरफ 7 पॉइंट जाते हैं तो बचता आपको 13 पॉइंट है, लेकिन डेली हेजिंग के अलावा कैश टेक्निक की बात करें तो आपका क्लैरिटी आने पर ही एक्टिवेट होता है सौदा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिलता है वो पूरा पूरा आपका प्रॉफिट है। तो 80 से अगर वो 15 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो पूरे 15 पॉइंट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं। अब वो 2911 का हाई बनाने के बाद में वहाँ से लुढ़क के अगले 1.5 घंटे में नीचे आ गया और बाद में उसने 2860 का लो भी तोड़ दिया और लो पे आपका सौदा लगा हुआ था। तो 2860 का लो तोड़ने के बाद में सीधा 2830-20 तक का लो बना, ऊपर के 30 पॉइंट और 2 घंटे बाद नीचे के 30 पॉइंट भी तैयार थे। इस तरह से जब कैश टेक्निक को अप्लाई करें कई बार दोनों ही तरफ का प्रॉफिट आपको मिल जाया करता है। आप स्टॉप लॉस बाइंग को समझ के रखें, स्टॉप लॉस बाइंग पे स्पेशल वीडियोस बना दिए हमने कि RL की बजाय रेगुलर लॉट की बजाय SL ऑर्डर लगाएंगे और उसमें ट्रिगर प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों डालेंगे, इधर सेलिंग ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों डालेंगे, तो ये कंडीशनल बाइंग और कंडीशनल सेलिंग होगी कि वो पर्टिकुलर हाई या लो तोड़ने पे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। और ये हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि रेंज में 3 घंटे तक अगर बार बार चीज़ें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी और अगर इसको 6-8 बार आप देख लेंगे स्क्रीन पर
तो किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि वो उस सौदे में बना रह सके। और अगर कोई ज़्यादा हाइपर एक्टिव ट्रेडर है, नया नया बंदा है, तो वो तो तीन बार सेलिंग और तीन बार बाइंग कर करके पता नहीं कितना ब्रोकरेज टैक्स खत्म कर देगा, पता नहीं कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस करते हुए 40-50 पॉइंट का लॉस भी क्रिएट कर लेगा। तो इसलिए ये जो हाई और लो के ऊपर बाइंग सेलिंग का ऑर्डर है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और लगातार कोई भी मेथड हो, कोई भी स्ट्रेटेजी है, उसको 50 दिन के लिए अप्लाई कीजिए। 4 दिन में उसको जज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे आप कभी कोई मेथड नहीं पा सकेंगे। कोई भी मेथड हर दिन लगातार 10 दिन तक 20 दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये कॉम्प्लिकेटेड इनडेफिनेट मार्केट है, पहले इसकी कॉम्प्लिकेसी और इसकी अनिश्चितता को स्वीकार कर लीजिए, तभी इस अनिश्चितता में से कोई निश्चित रास्ता और स्टाइल्स मिल सकेगी जो आपको फायदा पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।